स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है आज की मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम जानेंगे आज की बड़ी और ताजा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक मंत्रालय महानंदी भवन नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12 बजे होगी। इस बैठक में सरकार कई अहम फैसलों पर मोहर लगा सकती है। गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट से आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। बता दें कि इसकी तैयारी को लेकर गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में नामांकन को सफल बनाने और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने के बारे में योजना बनाई गई। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। वहीं सरकार और प्रशासन भी पराली जलाने को लेकर किसानों पर सख्त कार्यवाही कर रही है। प्रशासन ने कई किसानों पर FIR भी दर्ज की है, जिसको लेकर किसान काफी नाराज हैं। वहीं इसके चलते आज किसान पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करेंगे। BW बिजनेस वर्ल्ड के चेयरमैन व एडिटर इन चीफ और एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर अनुराग बत्रा की माता उषा बत्रा की याद में दिल्ली में आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के मल्टीपर्पज हॉल में आज दोपहर 3 बजे से होने वाली इस प्रार्थना सभा में उषा बत्रा को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उन्हें याद किया जाएगा। अदानी पावर ने 5000 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला लिया है। ये फंड NCDDS या पब्लिक इशू से जुटाए जाएंगे या फिर दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। पैसे जुटाने के तरीके पर आज बोर्ड की बैठक में फैसला किया जाएगा। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक ये फंड एक या कई किश्तों में जुटाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में NHM आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे हजारों परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में 12,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इस मुद्दे पर संघ ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। वहीं राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों को दीपावली से पहले आज यानी 28 अक्टूबर को वेतन देने का निर्णय लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान VHU का 13वां दीक्षांत समारोह आज स्वतंत्रता भवन में सुबह 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1954 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। वहीं समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे। गोमती तट स्थित खाटू श्याम मंदिर में आज ज्योतिष कुंभ का आयोजन किया जाएगा। राजधानी में पहली बार देश भर के ज्योतिषाचार्यों का जमघट लगेगा। बता दें कि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लगने वाले इस कुंभ में आम लोगों को मुफ्त में ज्योतिष परामर्श हासिल हो सकेगा। IMD ने सीजन के पहले चक्रवात दाना तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आज कानपुर मंडल के जिलों में इसका असर पड़ेगा। आसमान में घने बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी के साथ झमाझम बारिश होने की भी संभावना है। वहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वक्त हो चला है आज के इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज के दिन 1883 में भारत सरकार में गृह सचिव रहे मॉरिस गार्नियर हैलेट का जन्म हुआ था। आज के दिन 1891 में जापान में भूकंप से 7300 लोगों की मौत हो गई थी। आज के दिन 1963 में भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल का जन्म हुआ था। आज के दिन सन 2009 में पाकिस्तान के पेशावर में बम धमाके से 117 मरे थे और 213 लोग घायल हो गए थे। आज के दिन सन 2016 में गोवा की भूतपूर्व दूसरी मुख्यमंत्री शशिकला काकोदर का निधन हुआ था। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।